एवरीवन, वेलकम टू ब्लस एंड ब्लॉसम फैमिली। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ममार्थ के न्यूली लॉन्च्ड ग्रीन टी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद ग्रीन टी एंड कोलाजन के बारे में। दोस्तों, ये मॉइस्चराइजर ट्यूब पैकेजिंग में आता है और इसका प्राइस है 319 रुपीज़, जिसमें आपको 80 ग्राम प्रोडक्ट और 18 मंथ की सेल्फ लाइफ मिलती है। दोस्तों, ये मॉइस्चराइजर लाइट वेट फॉर्मूला से बना है, सेफली मेड है और ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। बोथ मैन एंड वेमेन जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे अबव है, इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मॉइस्चराइजर आता है ओपन पोर्स के लिए और ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को नरिशमेंट देता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट है। सो चलिए, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये यहाँ से ओपन होता है और आपको इसे प्रेस करके प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है। सो इसका जो टेक्सचर है वो जेल काइंड ऑफ टेक्सचर है और कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। और दोस्तों, इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, ग्रीन टी के जैसी है। मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी है और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आपको इसे कैसे यूज़ करना है, आपको इसे अपने क्लीन फेस पर अप्लाई करना है। सिंपली आपको इस मॉइस्चराइजर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस पर डॉट डॉट बना लेने हैं और उसके बाद अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसे अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई कर लेना है। आपको तब तक मसाज करना है जब तक कि ये मॉइस्चराइजर स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन बहुत ही स्मूथ लगती है, स्किन बहुत ही क्लियर एंड हेल्दी लगती है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी एंड कोलाजन। ग्रीन टी हमारी स्किन को सूथ करती है, हमारी स्किन पर जो एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करके स्किन से एक्ने एंड पिंपल को रिड्यूस करती है। इसमें कोलाजन है, कोलाजन हमारी स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, ये हमारे फेस पर जो लार्ज पोर्स होते हैं उनको टाइटनिंग करने का काम करता है, हमारी स्किन को टाइटन अप करता है। इसके साथ ही इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं और हमारी स्किन का जो पीएच लेवल होता है उसको बैलेंस रखते हैं। और दोस्तों, ये मॉइस्चराइजर क्लेम करता है कि ये आपको 24 आवर्स का हाइड्रेशन देता है। सो मैं इसे पिछले 5 या 6 दिन हो गए हैं मुझे इस मॉइस्चराइजर को यूज करते हुए, और जब पहली बार मैंने इस मॉइस्चराइजर को यूज़ किया, सबसे पहले तो मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। और जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी इसकी यूज़ होती है और ये स्किन में बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद स्किन पर बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है, ना ही ऐसा लगता है कि कोई मॉइस्चराइजर यूज़ किया है, बिल्कुल भी स्किन पर हैवी या चिपचिपा फील नहीं होता है। और ये स्किन को पूरा दिन हाइड्रेट रखता है और ना ही ये स्किन को ऑयली बनाता है। मॉइस्चराइजर अप्लाई जब हम करते हैं तो जैसे कि ये क्लेम करता है कि ये ऑयल फ्री है, तो कुछ टाइम तक स्किन ऑयल फ्री रहती है, उसके बाद जैसे ही 4-5 घंटे होते हैं तो ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है। बट इस मॉइस्चराइजर से मेरी स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं होती है और पूरा दिन ये स्किन को हाइड्रेट रखता है। और इसको अप्लाई करने के बाद स्किन हेल्दी लगती है और हमारे फेस पर जो पोर्स हैं वो भी कम विजिबल होते हैं। सो दोस्तों, ममार्थ का ये मॉइस्चराइजर मुझे अच्छा लगा है, इसका टेक्सचर अच्छा लगा है, इसका फॉर्मूला बहुत ही ये लाइट वेट है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, पूरा दिन स्किन को हाइड्रेट रखता है। और अप्लाई करने के बाद फेस पर जो पोर्स हैं वो भी कम विजिबल होते हैं, उनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है और स्किन बहुत ही हेल्दी लगती है, क्लियर लगती है। सो ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अब फिर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या ये पोर्स को मिनिमाइज करता है। सो दोस्तों, मैंने फेस टोनर के बारे में भी आपको बताया था कि जब मैं यूज करती हूं तब मुझे लगता है कि हाँ, कम विजिबल हो रहे हैं, बट बाद में वैसे के वैसे रहते हैं। तो इस मॉइस्चराइजर के बारे में भी मैं वही कहूंगी कि जब मैं इसको अप्लाई करती हूं तो लगता है कि हाँ, कम विजिबल हो रहे हैं, बट जैसे ही फेस को वॉश करते हैं तो वैसे के वैसे रहते हैं।
सो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके लार्ज पोर्स को मिनिमाइज कर देगा। और दोस्तों वैसे भी हर प्रोडक्ट सभी की स्किन पर अलग अलग तरीके से काम करता है, हो सकता है कि आपको मुझसे और भी बेहतर रिजल्ट मिले, बट मैं आपको एक बार ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आपका जो भी स्किन टाइप है आप इसे यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों ये मॉइस्चराइज़र मुझे अच्छा लगा है, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, टेक्स्चर अच्छा है, पूरा दिन स्किन को हाइड्रेट रखता है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, स्किन पर ग्लो आ जाता है। तो अगर आप भी ये सारी बेनिफिट्स अपनी स्किन में चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात कि स्किन ऑयल फ्री रहती है, सो ये सारे बेनिफिट्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर आपको मिले, तो इस मॉइस्चराइजर को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर ट्राई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।